ମାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ। ଚାଷ ଜମିକୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ବହୁମୁଖୀ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ସୀମିତ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଫ୍ ସଏଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚାଷ ଜମିକୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ବହୁମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳ 20,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା 26,000 ହେକ୍ଟର ଅନୁର୍ବର ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରାଯିବ। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। विश्व जलवायु परिवर्तन रे भारतर भूमिका सीमित रहिछि। जलवायु परिवर्तन संकट सृष्टि दिगरे भारतर भागीदारी कम रहिछि, जहां कि भारत पई एक खुशीर कथा बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ କାର୍ବନ ଏମିସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କାର୍ବନ ଏମିସନର ସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 40 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କାର୍ବନ ଏମିସନ କମିଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ 10% ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ ଭାରତ ନେ ପେଟ୍ରୋଲ ମେଁ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री का सहित ईसा फाउंडेशन रा संस्थापक सद्गुरु का समेत केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर और अनेक विशिष्ट व्यक्ति मन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ होप।